आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो सूजी के डायमंड है, इसको आप सूजी की मठरी भी बोल सकते हैं। इतनी क्रिस्पी है ये रेसिपी कि अगर आपने इसको एक बार इस फेस्टिवल में बना लिया तो हमेशा आपका किचन का एक कंटेनर इस वाली मठरी से ज़रूर भरा रहेगा। तो इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने एक कप के करीब सूजी ली है, सूजी आप कैसी भी मोटी बारीक कैसी भी ले लें, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको ग्राइंड कर लें। अब ये जो सूजी है ना ये बिल्कुल आटे के फॉर्म में हो चुकी है, तो इसको मैंने मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसका हमें डो बना लेना है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ग्रेजुअली ऐड करते हुए हमें एक सॉफ्ट सा डो बना लेना है। अच्छा, जब हम सूजी को कभी भी नीट करते हैं, मतलब उसका आटा गूंथते हैं, तो उसमें जो पानी है वो हमें थोड़ा ज़्यादा डालना होता है ताकि सॉफ्ट डो बन जाए। तो यहाँ पे मैंने आटा थोड़ा गूंथा, फिर उसमें थोड़ा सा ऊपर पानी डालकर इसको कपड़े से ढक दिया। अब 10 मिनट बाद मैंने इसको खोला है आटे को, और जो हमने पानी डाला था उसकी वजह से ये आटा बहुत सॉफ्ट हो गया है, यानी अब हम इसको रोटी के शेप में बेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इससे थोड़े बड़े बड़े बॉल्स बना लिए हैं और उनको थोड़ा सा हाथ से सॉफ्ट करके इसको बेलने लायक शेप में बना ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक लोई बना ली है जिसमें थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो अगर बेलने में दिक्कत हो रही है तो सूखा आटा भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने कोई आटा नहीं यूज़ किया है और सिंपली इसको ऐसे ही बेल लिया है। तो इस मठरी की खासियत ये है कि अगर आप ये जो आपने चपाती बनाई अगर इसको ज़्यादा पतली बेलेंगे तब भी क्रिस्पी बनेगी, अगर थोड़ा मोटी बेलेंगे तब भी क्रिस्पी बनेगी। लेकिन मोटी बेलने से फ़ायदा ये होता है कि ये थोड़ा जो हम डायमंड बनाएंगे थोड़ा फूल जाएंगे और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने चपाती को थोड़ा सा मतलब थिक ही रखा है, थोड़ा सा मोटा ही बनाया ताकि ये थोड़े से फूल जाएँ और इसका जो टेस्ट है वो अच्छा है। तो अभी यहाँ पे मैं इसको नाइफ से उसको कट कर ले रही हूँ, जैसे हम मठरी बनाते हैं ना नॉर्मल वैसे ही मैंने इसको कट किया है, बट जब सेकंड वाला जो हम कट करें वो थोड़ा सा मैंने नाइफ को तिरछा करते हुए कट किया है ताकि डायमंड का शेप आ जाए। तो इसी तरीके से हमें ये सारी जो मठरी हैं कट कर लेनी है। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है ये, आप फेस्टिवल में झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही कम सामान में भी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे जब मैंने सारे डायमंड्स को कट कर लिया तो देखिए ये कितनी आसानी से अलग भी हो जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला आटा बिल्कुल भी स्टिक नहीं होता। अब ये सारे डायमंड्स को मैंने अलग अलग करते हुए निकाल लिया है, और यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ऑयल को हाई फ्लेम में गर्म किया हुआ था, उसके बाद जब ये डायमंड्स को तेल में डाल देंगे फैलाते हुए फिर जो गैस की फ्लेम है उसको मीडियम कर देना है और बस इनको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। अब ये देखिए थोड़ी देर बाद इसमें परफेक्ट कलर आ गया, तो इसको मैं ड्रेन कर ले रही हूँ। अब इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये रेसिपी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। अभी इस मठरी में मैं एक अलग सा फ्लेवर दूंगी, इसके लिए एक अलग सा मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ, और उस मसाले को ऐड करने की ट्रिक भी है। अभी यहाँ पे मैंने ये मठरी को एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और ये मेरे पास पेरी पेरी मसाला पड़ा हुआ था जिसको मैं इस मठरी में इसी समय ऐड कर रही हूँ। अभी जो मठरी में ऑयल है उससे मसाला अच्छे से इस मठरी में कोट हो जाएगा। अब जितना मैंने आटा गूंथा था उससे मैं ये तीन बैच में ये डायमंड बनाऊंगी, तो तीनों बार जब मैं मठरी को फ्राई करके ड्रेन करूंगी तो उसके बाद ये मसाला ऐड करूंगी, जिससे क्या होता है ना मसाला नीचे नहीं बैठता है मठरी के और अच्छे से कोट हो जाता है। तो मसाले को ऐसे ही कोट करना है। ये पेरी पेरी मसाला आपको किसी भी शॉप में आसानी से मिल जाएगा, बट स्टिल अगर आपके पास ये वाला मसाला नहीं है तो आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये कितने अच्छे से कोट हो गई और कितनी क्रिस्पी कुरकुरी और चटपटी सी लग रही है ना मठरी। अब इस मठरी को आप चाय के साथ किसी भी समय एंजॉय कर सकते हैं। घर के बने हुए नाश्ते की बात ही और रहती है, मार्केट के नाश्ते में पता नहीं कौन सा ऑयल यूज़ होता है, तो आप इस तरह से घर में ही टेस्टी नाश्ता बना सकते हैं। और ये वाले नाश्ते को आप 2 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो अब की बार आप इस फेस्टिवल में ये वाली मठरी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही क्विक और इंस्टेंट रेसिपी है। सिर्फ एक कप सूजी में काफ़ी सारी मठरी बनकर तैयार हो जाती हैं और उसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब था। तो अगर आपको ये मठरी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन करिएगा ताकि आपको आगे भी वीडियोस देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।